तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत इसे बता रही है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास। दीपक, बिल्कुल वही तय लाइन जिसकी उम्मीद थी, आम आदमी पार्टी ये बताने की अब कोशिश करेगी, ये प्रचारित करेगी कि ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सबसे बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का जेल की सलाखों के पीछे था, इसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो टूट रहा होगा। बिल्कुल अखिलेश, जिस बात का जिक्र कर रहे थे ठीक उसी तरीके से उसी लाइन पर अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आम आदमी पार्टी को ये मिल गया है कि जिस तरीके से कोर्ट ने, जज ने, ये जज भुइयां ने ये कह दिया कि तोते पिंजरे में बंद तोते जैसा इस्तेमाल सीबीआई का हो रहा है वो बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसी लाइन को पकड़ कर मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से चुनाव में अब आम आदमी पार्टी उतरेगी इसी लाइन को लेकर उतरेगी कि हम तो कह ही रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया। दूसरी तरफ जिस तरीके के आरोप बीजेपी के लग रहे हैं कि बेल मिल रही है, कोई केस खत्म नहीं हुआ है, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी का बयान वही है। उनका कहना है कि पहले कहते थे बेल नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है क्योंकि आपने कुछ किया होगा तभी बेल नहीं मिल रही है, अब बेल मिल गई तो कह रहे हैं कि अभी कोई केस खत्म नहीं हुआ है, केस तो अभी चल ही रहा है। तो उसी बातों को लेकर आम आदमी पार्टी अब आगे बढ़ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने और अरविंद केजरीवाल की जमानत ने, दोनों ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका दे दिया है इन चुनाव में। आप लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, राजनीति के लिए ये कहा जाता है कि सारा खेल परसेप्शन का होता है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी जो पूंजी थी ईमानदारी, और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो जेल के अंदर चले गए। ऐसे में जब अब वो बाहर आए हैं तो क्या ये जो परसेप्शन वाली लड़ाई की बात कही जा रही थी उसमें आम आदमी पार्टी आपको लगता है कि फ्रंट फुट पर आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी की बात अरविंद केजरीवाल हमेशा से करते रहे हैं। उनका कहना है कि सब हर चीज़ बिक सकती है लेकिन केजरीवाल नहीं बिक सकता, इसी को डेंट करने की कोशिश रही है और इसी को डेंट किया भी है बीजेपी ने पिछले दिनों जब वो जेल गए। लेकिन उस पर कितना डेंट पड़ा है ये आने वाले दिनों में दिल्ली के चुनाव में दिख जाएगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दो बार सत्ता हासिल की है एक बड़े बहुमत से, उस पर कितनी कमी आती है, क्या वो बरकरार रहता है, वो साबित हो जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की अब ये कोशिश होगी कि अगर हमने कुछ किया है, हमने कुछ किया होता तो ना मनीष सिसोदिया बाहर आते जिन्हें किंगपिन बताया गया, ना खुद मैं बाहर आता, मुझे भी किंगपिन बताया गया। और ये देखिए तस्वीरों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आम आदमी पार्टी का ये नया दफ्तर है जिसमें आप देख रहे थे किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इस मामले में एक अपडेट ये है कि तिहाड़ से आज ही बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, यानी शाम तक सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी एक बड़ी जानकारी हमें यह मिल रही है कि जमानत के बाद आज ही वो रिहा होने वाले हैं। मैं निपुण सहगल के पास सीधे आपको लिए चलता हूं, उसी खबर पर कुछ और जानकारी उनसे लेते हैं। निपुण, ये पूरी रिहाई की क्या प्रक्रिया होती है और क्यों ये कहा जा रहा है कि शाम तक बाहर आ जाएंगे केजरीवाल, उसके पीछे क्या आधार बताया जा रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा आधार ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया और वो भी सुबह सुबह आ गया है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए यही फैसला शाम में 3 बजे या 4 बजे आता दोपहर बाद तो शायद आज रिहाई में दिक्कत आती। अब ये फैसला आ चुका है, सुबह 10:30 बजे आ चुका है, 10:45 तक फैसला पढ़ा जा चुका था। ऐसे में आदेश की कॉपी जाएगी निचली अदालत में, वहाँ से एक औपचारिक आदेश पारित होगा, वो पहुँचेगा तिहाड़ जेल में और ये सारी चीज़ें दिल्ली में ही हैं, मुश्किल से एक दूसरे से आधा घंटा 45 मिनट की दूरी पर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दोपहर होते होते ये आदेश पहुंच जाएगा, दोपहर 2:30 बजे तक तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ जेल में औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी रिहाई को लेकर, क्योंकि उनको जेल मैनुअल के हिसाब से अपनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इसलिए यह पूरी संभावना है कि केजरीवाल आज ही बाहर आ जाएंगे और इसमें कोई विलंब होगा नहीं, क्योंकि कोई तकनीकी दिक्कत कहीं से भी इसमें समझ में नहीं आ रही है। जी, मैं निपुण आगे भी आपके पास लौटूंगा, आगे भी आपसे हम जानकारियां लेते रहेंगे। अभी की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें आज की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, अरविंद केजरीवाल अब जमानत पर बाहर आने वाले हैं। जमानत आज सुबह उन्हें मिल गई है, देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंचा था और वहां पर लंबी सुनवाई हुई, आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज जैसे ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई जजों ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया, 2 जजों की यह बेंच थी और वहां पर दोनों जजों ने एक मत होकर एक राय के साथ ये कहा कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, ये फैसला अब पहुंचेगा निचली अदालत में। आप सुन रहे थे निपुण, आपको पूरी प्रक्रिया समझा रहे थे और वहां से यह आदेश जारी कर दिया जाएगा जेल प्रशासन को कि आप उनको रिहा कर दें। एक बार फिर से चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर और दीपक, वहां पर जो लोग मौजूद हैं ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, जरा उनसे बात भी तो कीजिए।
बिल्कुल जश्न का लगातार माहौल है और इस बीच विधायकों का आने का सिलसिला भी है। संजीव झा वरिष्ठ नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। संजीव जी की कितनी बड़ी राहत आप मान रहे हैं, आपके विधायक छोड़ के जा रहे थे, पार्षद छोड़ के जा रहे थे, माना ये जा रहा था कि एक तरीके से पार्टी खत्म होने की कगार पर है, कितनी बड़ी राहत है? देखिए आज उत्सव का दिन है, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। मैं इस बात से सहमत तो नहीं, कोशिश तो उनकी यही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दो, सब नेता को जेल में बंद कर दो और पार्टी को तोड़ दो। पार्टी एकजुट रही, चंद कुछ लोग जिनको डराया गया, धमकाया गया, वो पार्टी छोड़कर गए, लेकिन पार्टी एकजुट रही।